अब हम हिंदी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी का इस सेशन में स्वागत है। नमस्ते कुमार गोपाल भैया। नमस्ते दीदी, मेरी आवाज़ आ रही है दीदी? जी एकदम ठीक है भैया। ठीक है, मेरी स्लाइड विजिबल है दीदी आपको? हाँ जी भैया, स्लाइड भी ठीक है, आवाज भी बराबर आ रही है। स्वागत है भैया। जी जी ठीक है, तो सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में, सुबह के सत्र में। एक बार मैं ब्रीफली स्टेप्स को रख देता हूँ, तो मुख्यतः आज हम लोग स्टेप 5 पर बात करेंगे। लेकिन जब 5 पर भी बात कर रहे हैं तो 1, 2, 3 को 4 को इंक्लूड करके ही कर रहे हैं। तो एक बार मैं ब्रीफली रख देता हूँ, फिर हम लोग उस पर ऑब्जर्वेशन को शेयर करेंगे। तो हम लोग ने स्टेप 1 में ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया है कि ऑब्जर्व करें, जैसा हो रहा है कल्पनाशीलता में उसको वैसा देखने का प्रयास करें। और जब देख रहे हैं तो देखते देखते अपने आशा विचार और उसके पीछे भाव तक पहुंचे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्टेप 2 में देखेंगे तो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, 2 और 3 को मिलाकर देखें तो मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो भाव हमको दिख रहा है ये हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, इसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और इस से मैं सुखी हो रहा हूं कि दुखी हो रहा हूं, तो अगर सहज भाव होता है तो मैं सुखी होता हूं, असहज भाव होता है तो मैं दुखी होता हूं, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। इतने के साथ हम लोग स्टेप 4 में इस बात को देख रहे हैं कि ये जो भाव मेरे में बना हुआ है इसका निर्णय कौन ले रहा है। जैसे अपने में अगर विश्वास का भाव बना है, स्नेह का भाव बना है, उसका निर्णय कौन ले रहा है? विरोध का भाव बना है, द्वेष का भाव बना है, तो इसका निर्णय कौन ले रहा है? एक बार निर्णय कौन ले रहा है इस बात को हम लोग ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम ये देख पाते हैं बहुत बार कि निर्णय तो मेरा ही है, लेकिन अभी नहीं देख पाए हैं तो उसको देखते रहिए, उसको बहुत तर्क पूर्वक स्वीकारना भी ठीक नहीं है, उसको ठीक से देखना ठीक है कि मैं ही निर्णय ले रहा हूँ या बाहर की परिस्थिति, कोई व्यक्ति उससे निर्णय हो रहा है। तो अगर मुझसे निर्णय हो रहा है, ये बात क्लियर हो गई है, तो फिर नेक्स्ट बात ये बनती है कि ये निर्णय किस आधार पर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि चाहता तो मैं सुखी हो नहीं हूँ निरंतर, लेकिन इसके बाद भी निर्णय हमारे स्लिप क्यों जा रहे हैं, अन्यथा निर्णय क्यों जा रहे हैं? तो इसका मतलब जिस आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूं उस आधार को समझना जरूरी है, क्योंकि हर मनुष्य की चाहना को देखेंगे तो सुख को लखी जीना चाहता है, लेकिन जब हम निर्णय ले जाते हैं तो बहुत सारे निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो हमारी चाहना के ही विपरीत हो जाते हैं। तो विश्वास से जीना चाहते हैं, अविश्वास का भाव आ जाता है, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, सम्मान के भाव के साथ अपमान का भाव आ जाता है। तो ये जो भाव बार बार बदल रहे हैं, चाहे हम सुख रहे हैं, निर्णय हम दुख के अर्थ में ले रहे हैं, ये जो बार बार स्लिप हो रहा है इसका मतलब मेरा निर्णय किस आधार पर हो रहा है, वो जो आधार है उसको ठीक से जांचना जरूरी है। तो इसलिए स्टेप 5 को देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात है कि हम किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं। तो स्टेप 5 में हम इस बात को देख रहे हैं कि निर्णय जब ले रहे हैं या तो सही आधार पर हो सकता है या सही समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर हो सकता है। तो जैसे ये अस्तित्व क्या है हमको ठीक से समझ में आया, उसमें मेरा होना क्या है वो हमको ठीक से समझ में आया, और मेरा हर इकाई के संबंध है ये ठीक से समझ में आया। अब इस समझ के आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो हमारा भाव विचार निश्चित होता है, भाव तो निश्चित होता है, फिर अन्यथा भाव नहीं आता है।
लेकिन इस अस्तित्व को लेकर हमने कुछ मान लिया है, उसमें अपने बारे में कुछ मान लिया है, दूसरी इकाइयों के बारे में कुछ मान लिया है, और उस मानने के आधार पर अगर मेरे भाव बन रहे हैं तो अन्यथा भी बन सकते हैं, है ना। उसकी निश्चितता नहीं हो सकती, कभी ठीक भी हो सकता है, कभी ठीक नहीं भी हो सकता है, तो वो निश्चितता नहीं रहती अपने में फिर। इसलिए इस बात को सही से देखना कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ है या मान्यता है। तो जैसे अगर मैंने इस पूरे अस्तित्व को जड़ ही मान रखा है तो मैं अपने को भी जड़ मानता हूँ, फिर अपना सुख जड़ इकाइयों से या मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ लेता हूँ, फिर अन्यथा निर्णय में उससे होने लगते हैं और फिर उसका मुझे दुख होता है। इसलिए स्टेप 5 एक महत्वपूर्ण बात है। अगर मुझे ये क्लियर हो गया स्टेप 4 में किस निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, तो ये अपने को समझना जरूरी है कि सुखी होना चाहता हूँ तो निर्णय अन्यथा क्यों हो जा रहा है। तो निर्णय अन्यथा हो जा रहा है उसकी एक पॉसिबिलिटी यही है कि जो निर्णय लेने का आधार है वो समझ के आधार पर नहीं है, किसी मान्यता के आधार पर हो जा रहा है। क्योंकि समझ के आधार पर होगा तो हमारा भाव निश्चित बना रहेगा, संबंध के अर्थ में ही निर्णय होंगे। लेकिन अगर मान्यता के आधार पर हमने कुछ मान लिया है, वास्तविकता को ठीक से नहीं देखा है और उस मानने के आधार पर कुछ निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें निश्चितता नहीं रहती है, सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, और फिर मेरे अंदर अंतर्द्वंद बना रहता है। इस अर्थ में देखेंगे तो ये स्टेप 5 एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि मेरा निर्णय जो हो रहा है उसका आधार क्या है। तो इसी बात को हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग के ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग ले लेते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग स्टेप 5 को जोड़ते चलेंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया, मेरे क्वेश्चन और ऑब्जर्वेशन एक साथ ही है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगी कि ये ऑटो सजेशन मसल मेमोरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन उसी लाइन में है। मैं सोच रही थी 2 साल बाद तो इमेज फ्री आने के टाइम, तो तब तक मैं रिफ्लेक्स एक्शन को ऐसे ही, मतलब जैसे हम लोग स्कूल बुक्स में पढ़ते थे ऐसे ही पूछे थे कि मेरा ही क्वेश्चन बना था। लेकिन अभी मैं अलग लाइन में, मतलब यूएचपी के लाइन में सोचने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे इन दिनों में एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं मोबाइल में कुछ एक बड़ा डॉक्यूमेंट एक ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है तो मिला जुला होता है, तो ऑटो सजेशन में वर्ड्स ऐसे आते रहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली तो आता नहीं है, ऑटो सजेशन के लिए भी शुरू शुरुआत में जैसे सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्ड्स बार बार एक फ्रेज बनाने से फोन को ये हो जाता है, जो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा ही है। और अनदर थिंग कि मैं ये तो टेक्निकल मैटर हुआ, टेक्निकली वो किया गया है, लेकिन वही क्या हमारे मसल के साथ ही होता है कि मैं सितार सीखती थी पहले, तो लास्ट 3 इयर्स में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। तो अभी मैं जब फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं दोबारा प्रैक्टिस शुरू करूँ, तो मुझे बुक देखे बिना कुछ कुछ नोटेशंस मैं बजा पा रही हूँ, जबकि मैं आप पूछेंगे मुझे तो मुंह से मैं नहीं बोल पाऊंगी, वो सब नोटेशंस मेरे दिमाग से नहीं ऐसे डायरेक्टली आ पा रहा है, लेकिन मैं बजा के देना है तो मैं बजा पाती हूँ। तो मेरा हाथ, कान, ये सब मसल्स में, ये जो मसल मेमोरी आजकल स्कूल बुक्स में वो आ गया है, हमारे पढ़ने के टाइम खाली रिफ्लेक्स तक ही था। अभी मसल मेमोरी की भी बात करते हैं, तो एक काम जब बार बार किया जाता है तो बैठ जाता है, तो सजेशन में आता है क्या? तो अभी मेरा रिसेंट जो एपिसोड हुआ, तो मैं न्यूज रीडिंग के लिए जाती हूँ, तो वहाँ हम लोग को जनरली सब न्यूज रीडर्स को बोला गया कि कट ज्यादा नहीं होना है। तो उस दिन 2 दिन पहले मैं जब न्यूज पढ़ रही थी, तो मैं बहुत ध्यान लगाने की कोशिश की और दिमाग में वो रह गई बात कि कट नहीं होना है। तो वो बात पहले भी मालूम था, लेकिन जब मीटिंग में ये बोला गया, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गई और पढ़ रही हूँ। उतने में ये 5 साल में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है कि मेरा हाथ
मेरा फेस तक चला गया, जो होना नहीं है। हम लोग को बाकी कुछ और नहीं करना है पढ़ने के अलावा, क्योंकि बाद में मैं रियलाइज की क्या हुआ होगा, मेरा एक शायद हेयर एक फेस पे आ गया था। ऐसा कोई प्रेसिंग नीड नहीं था कि मैं उसको हटाऊं, कि मेरा बहुत खुजली हो रहा है, तो वो मोमेंट मेरा स्लिप हो गया कि मैं, मेरा तो इतना कोई मतलब कॉन्शियसली कि मुझे मैं हाथ उठाऊं और फेस तक लेके जाऊं, वो तो करना ही नहीं है क्योंकि कैमरा ऑन है। तो मैंने क्यों किया, फिर मैं वो बात को सोच, तो उस दिन का तो कट हो ही गया तो दोबारा कर लिए, लेकिन मैं वो बात को डीप में सोचने की कोशिश की कि जबकि मुझे इतना प्रेसिंग नीड नहीं दिखा था खुजली करने का, मेरा हाथ क्यों चला गया। तो हाथ तो बॉडी पार्ट ऑटोमेटिकली जा नहीं सकता है, मेरा इंस्ट्रक्शन हुआ ही होगा। तो इसमें क्या ये मसल मेमोरी का या ये काम है कि जो काम हम, ऐसा नहीं है कि वो हाथ अपने से गया, ये जो खुजली होने से हमारे हाथ जाने का एक जो आदत हम लोग बना दिए, संस्कार में लाए हम लोग बचपन से ही, कहीं खुजली होगा तो बस खुजा दिए हाथ लेके जाके। तो ये क्या वो बन गया है सिस्टम में कि उसी वही होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हाथ को अपने आप ही पता चल गया, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक वो हैबिट्स बन गया कि कहीं खुजली का कुछ थोड़ा सा वो भी हुआ और हाथ वहां चला जाएगा। जो बात मैं अवॉइड ही करना चाहती थी कि हम लोग को बहुत केयरफुली ही न्यूज रीडिंग करना है, वही बात उस दिन हो गई जो पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं पहले जिसे कहीं होता भी है पैर वगैरह में कहीं कुछ हुआ, तो वो थोड़ा सा ध्यान उधर रहता भी है कि अभी मुझे तो हिलना नहीं है, अभी कुछ ही देर बात है, 2 मिनट की बात है, उसके बाद मैं तो अच्छे से वो कंफर्टेबल हो जाऊंगी। लेकिन उस दिन क्या भैया ऐसा हुआ कि मेरे सारे अटेंशन इतना ज्यादा उधर गया रीडिंग में, बाकी यहाँ जो मैं रोक नहीं पाई तो ये ऑटो सजेशन में चला गया, मसल मेमोरी का जो हैबिट बन चुका था। मैं नहीं बोलूंगी अपने से किया, लेकिन पहले बहुत बार किया बोल के ही सेल्फ ने बहुत बार इंस्ट्रक्शन पहले दे चुका है कि खुजली होने से हाथ जाए, इसीलिए हो गया भैया, ऐसा है क्या? जी 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 ठीक है। हाँ ठीक है ना, ऐसे तो ऐसे ही सोचना। हाँ ठीक है भाई, बोलिए आप। बिल्कुल, कि हम सब स्वतंत्र हैं ना, कुछ भी सोच सकते हैं, क्या सोचने में कोई इश्यू नहीं है। देखिए, ये हम जो स्टेप 5 अब बात कर रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब चीज़ों को देख रहे हैं तो समझ के आधार पर देख रहे हैं या मान्यता के आधार पर देख रहे हैं। अभी देखेंगे कि अगर हमको चैतन्य इकाई की क्लैरिटी नहीं है ना, इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, वो को एग्जिस्टेंस है सेल्फ एंड बॉडी का, इस बात की अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम कहीं और से स्टार्ट करते हैं। तो पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो चैतन्य इकाई है, कॉन्शियसनेस है, मटेरियल है और शून्य है, स्पेस है, को एग्जिस्टेंस है। अब हम जब चीज़ों को डिफाइन करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी कि हम पूरे अस्तित्व को, उस अस्तित्व में अपने होने को और अपना दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को कैसे देख रहे हैं। जैसे जैसे हम देखने की डेप्थ बढ़ेगी, हमारे जो डेफिनेशंस हैं, हमारे जो डिफाइन कर रहे हैं, उनकी डेप्थ और बढ़ती जाती है। तो अगर हमने पूरे अस्तित्व को मटेरियल की तरह माना है, जड़ माना है, और ह्यूमन को केवल शरीर की तरह देख रहे हैं, जड़ इकाई की तरह देख रहे हैं, तो अब बाकी चीज़ें जो प्लेस करेंगे, घटनाएं प्लेस करेंगे, मेमोरी को प्लेस करेंगे, तो कहाँ प्लेस करेंगे? अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, शरीर, और शरीर में जो सेल्स हैं। जब चैतन्य इकाई की क्लियरिटी नहीं है, अस्तित्व की क्लियरिटी नहीं है, तो मेमोरी को रखने का ऑप्शन भी क्या बचा है, है ना? तो इसीलिए ये स्टेप 5 बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं। तो अगर इस अस्तित्व की हमको क्लियरिटी नहीं है, इस पूरे अस्तित्व को हमने जड़ ही मान रखा है और मनुष्य को भी केवल जड़ ही मान रखा है कि केवल शरीर है और सेल्स हैं,
चैतन्य नहीं है। तो अब आप हर चीज को प्लेस करने जाएंगे तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो आप सेल में ही प्लेस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमको इस बात की क्लियरिटी होती है, समझ वाला काम होता है कि इस पूरे अस्तित्व में केवल जड़ इकाई नहीं है, चैतन्य इकाई भी है, शून्य के साथ सहअस्तित्व भी है, के साथ जड़ इकाई है। ये तीन चीजों की क्लियरिटी हो जाए, फिर उसमें इस बात की क्लियरिटी हो जाए कि मैं चैतन्य इकाई हूं, और उस चैतन्य इकाई में देखेंगे, देखने का भी पोटेंशियल बना हुआ है, और हम जो देख रहे हैं चीजों को, चाहे अनोइंगली चाहे नोइंगली, वो सब हमारे कॉन्शियस इकाई में चला जाता है, बना रहता है। तो बहुत सारी चीजें हमारी कॉन्शियस इकाई में बनी रहती है। जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान जाता है, नहीं ध्यान देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ अब है नहीं। तो बहुत सारी चीजें अनोइंगली जो हम दिन भर भी देखते रहते हैं ना, वो सब कॉन्शियस यूनिट में बना रहता है, क्योंकि देखने वाला तो कॉन्शियस ही है। उसको ध्यान देने पर हम ले आते हैं वापस, रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो साइड में कहीं रखा रहता है। इसी तरीके से बहुत सारी प्रवृत्ति हमारी, टेंडेंसीज, रेगुलर हैबिट्स, उसको लेकर जो निर्णय बनाते हैं सही मान्यता के आधार पर, समझ के आधार पर, जैसा भी है, वो भी हमारे कॉन्शियस यूनिट में बना रहता है। और जैसे ही बाहर की परिस्थितियां आती हैं, उसमें से कुछ एक्टिव हो जाता है, या हमसे कोई कह रहा है खुजाने पर ध्यान नहीं देना है, तो हमारा ध्यान ही बेसिकली वही बना रहता है। जब बना रहता है तो हम बॉडी को रीड करने लगते हैं, रीड करने लगते हैं तो फिर निर्णय लेते हैं। निर्णय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको रिएक्शन देने का बहुत अभ्यास है, उसको होते हुए देखना, ये देखना है कि कोई फिजिको केमिकल एक्टिविटी हो रही है, अभी अराइज हुई है, धीरे धीरे स्लो डाउन होगी और चली जाएगी, इसको देखने से पहले ही रिएक्शन देने का हमारा अभ्यास बहुत ज्यादा है। अगर इस पूरी समझ के साथ देखेंगे तो ये सब तो चैतन्य इकाई में हो रहा है, और चैतन्य इकाई में निर्णय के साथ हो रहा है। तो हमारा कोई ध्यान दिला रहा है कि इस पे ध्यान नहीं देना है, तो बेसिकली अनकॉन्शियसली हम उसी पे ध्यान देते हैं। जब उस, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि ध्यान कहाँ देना है, वो ये बता रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है, तो हमारा ध्यान उस पे जाता है। तो अगर कोई कह रहा है कि शरीर में कुछ भी हो जाए ध्यान मत देना, तो आपका ध्यान शरीर में होने वाली घटनाओं पर जाने लगेगा। अभी आप मूवी में बैठते हैं तो कुछ आपको ध्यान नहीं रहता है, 3 घंटे की मूवी देखते हैं है ना, और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो शरीर का ध्यान भी नहीं रहता है। अभी आपको कन्फाइन कर दिया एक जगह और कहा कि बैठो देखो, खुजली पर ध्यान मत देना, अब ध्यान कहाँ लगाना ये तो बता नहीं रहा कोई व्यक्ति, तो अब ध्यान आपका कहाँ जाएगा, तो शरीर में होने वाली घटनाओं पर ही जाएगा। और जब जा रहा है, और हमारा अभ्यास भी है कि तुरंत उसको रिएक्शन भी देना है, उसको होते हुए देखने का अभ्यास हमारे में है भी नहीं, तो अनकॉन्शियसली फिर हमारा निर्णय हो जाता है कि उसको एड्रेस करना है भाई, तो हम एड्रेस कर देते हैं उसको। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है दीदी, बताइए आप। हाँ, उस दिन तो ध्यान कहाँ देना है वो तो क्लियर था कि न्यूज जो प्रॉम्प्टर है, टेली प्रॉम्प्टर, उसमें देना है। वो पहले भी होता ही है, इतने सालों से भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि बहुत ज्यादा ध्यान उधर रहा, और यहाँ जो मुझे रोकना था हाथ को, जो मेरा चला गया, तो उस दिन कैसे चला गया कि मैं अपने से हाथ को नहीं कॉन्शियसली बोली हूँ कि जाओ खुजाओ, तो वो नहीं था। और ये केयरफुल भी, वो डिजायरेबल भी नहीं था कि वो करे। फिर भी मतलब मेरा 100% अटेंशन मैं उस दिन तो ज्यादा ही लगा रही थी उसमें। बाकी टाइम में जैसे थोड़ा बहुत बाकी चीजों में भी रहता है कि ये जैसे मैं एग्जांपल दी कि पैर सुन हो रहा है थोड़ा सा कि नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, वो भी चलता है साइमल्टेनियसली। लेकिन उस दिन की बात की कि मैं ये कॉन्शियस हो गई कि बहुत ज्यादा कि कट नहीं होना है, बहुत ठीक से पढ़ना है। वो करते करते मेरा जो यहाँ एक हल्का सा बल सामने आया भी होगा, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा हाथ चला गया। तो उसी को मैं सोच रही हूँ कि ये जो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है कि कहीं होने से खुजलाना है, तो वो हैबिट के चलते ही चला गया। लेकिन ये तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वो हैबिट करने के लिए भी सेल्फ का डिसीजन, कई सालों पहले तो सेल्फ का ही था कि ये होने से ये करना है तो आराम लगता है तो खुजाओ। तो ये कर करके क्या हम लोग का वो इतना फास्ट हो गया है उसका मूवमेंट।
कि अभी इतना सोचने के ही टाइम नहीं देते पास्ट कि इसको पास्ट की जगह ये ब्रोक। कहना जरूरी है, पास्ट की जगह ये कहना जी सही है कि हम अपने में जो चल रहा है बहुत अनअवेयरनेस से बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं, है ना। जो यहाँ हम लोग अवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं उसमें देखिए इतनी सारी शेयरिंग आती है कि इतने समय से काम करने के बाद भी संस्कार कुछ हो जाता है, फिर वो हमारे थॉट में फैल जाता है, हमारा निर्णय हो जाता है, बाद में हमको ध्यान आता है ऐसा क्यों दिया। हम लोग तो मॉर्निंग का अभ्यास भी कर रहे हैं, तो अभी उसको जिसको हम बोल रहे हैं ना कॉन्शियस होके देखना, भी अभी उतना भी कॉन्शियस होके हम अपनी चैतन्य में देख नहीं पाते हैं। वो तो बहुत जो सरफेस लेवल की चीजें उन पर हमारा ध्यान चला जाता है, अभी बहुत सारा अंदर बना हुआ है उसके लिए कॉन्शियस होना भी बाकी है। तो अभी जो नॉर्मली हम बोल देते हैं कॉन्शियस है, इसका मतलब यही है कि सरफेस लेवल पर जितना चल रहा है उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान दे पा रहा हूँ। लेकिन जब कॉन्शियस बोल रहे हैं कि मैं कॉन्शियस हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हर आशा विचार और उसके पीछे का भाव को मैं देख पा रहा हूँ। ये फुल्ली कॉन्शियस है इस पर अभी ध्यान नहीं जाता है। तो अभी बहुत नॉर्मल भाषा में जिसको कॉन्शियस बोलते हैं वो तो बहुत सरफेस लेवल पर बोलते हैं। अगर व्यक्ति कॉन्शियस ही हो जाए तो फिर अन्यथा निर्णय भी क्यों लेगा, है ना। सुखी होना चाहता है, दुखी होने का भी निर्णय क्यों लेगा। तो बहुत सारे अन्यथा निर्णय नहीं हो गए क्योंकि अभी हम जिसको कॉन्शियस बोलते हैं तो बेसिकली हम कॉन्शियस नहीं है, अभी बहुत ही छोटे भाग पर हमारा ध्यान गया है। अनकॉन्शियसली तो बहुत सारा चल ही रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा कॉन्शियसनेस इतना शार्प नहीं हुआ कि उबाल मुंह में जी आए हैं उसको हम ओवरलुक कर दिए, देख नहीं पाए। देख नहीं पाए तो मेरा हाथ जी वहां जो एक वो प्रोसेस में वो चला गया, नहीं तो मैं रोक भी लेती। जी 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 और ठीक कह दीजिए, ये सब चॉइस तो है। देखिए हमारे भारत में तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, बड़े बड़े कई सारी घटनाएं हैं। किसी महापुरुष के बारे में ऐसा ही बताते हैं कि उनका ऑपरेशन होना था, उन्होंने कहा ठीक है मैं ध्यान नहीं दूंगा, डॉक्टर से कहा एनेस्थीसिया लेने की जरूरत नहीं है, मैं ध्यान नहीं दूंगा, तुम ऑपरेशन कर दो हाथ का। तो उसने सेंसेशन में जो आ रहा है उसको रीड भी नहीं किया, डॉक्टर को जो करना था कर दिया, हो गया काम, है ना। तो वो हम अनकॉन्शियसली तो इन्वॉल्व रहते ही है पूरे शरीर के साथ। तो वो जिसको कॉन्शियस अभी बोल रहे हैं ना वो बहुत सुपरफिशियल बोलते हैं कॉन्शियस होना। सही में कॉन्शियस होने का तो मतलब यही है, मेरी आशा विचार उसके पीछे की इच्छा और देखने वाले को जो प्रक्रिया है इन सब के साथ अपनी चैतन्य इकाई को देख पाना, ये कॉन्शियस होने का मतलब है। जी जी तो मेरे साथ क्या ये हुआ कि जैसे चार चीजें हैं ध्यान रखने का, मैं तीनों में पूरा 100% लगा दी हूं कि एक नेग्लेक्टेड हो गया, ऐसा हुआ होगा क्या? अंदर कुछ चल रहा है हमारा उस पर ध्यान नहीं गया तो निर्णय हो गया कुछ, तो शरीर में कुछ हो रहा है और उसको हमें एड्रेस करना है, ये निर्णय हो गया। हाँ, वो निर्णय मतलब हाथ उठ कैसे गया, मतलब हाथ को किसने बोला कि जाओ तुम कुछ भी ये तो करो? आपको पूछना पड़ेगा, आपके हाथ को उठाने के लिए किसने बोला है, बॉडी के सेल ने बोला है या आपने बोला है। मैं सेल तो नहीं बोला, लेकिन मैं तो उस दिन कॉन्शियसली, जैसे वही बात बार बार वही आती है कि मैं तो ये डिसीजन नहीं ली थी उस टाइम कि जाओ और खो जाओ, क्योंकि एकदम देखिए हाईली अनडिजायरेबल है। यही तो मजेदार बात है, डिसीजन ले भी नहीं रहे फिर भी विरोध का भाव चला लेते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है। फिर भी अनडिजायरेबल देखिए चीजें कर लेते हैं। हाँ फिर क्यों कर ले रहे हैं, यही तो मजेदार बात है। जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, है ना, तो आप बोलने के लिए बॉडी का यूज कर रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं या ऐसे ही हो जा रहा है। नहीं, डेफिनेटली तो ले रहे हैं, बहुत बार निर्णय ले पोस्चर भी रहे। चेंज कर रहे होंगे, हाथ आपका मूव कर रहा होगा, है ना, कई बार आपने पोस्चर भी चेंज किए होंगे, अपने आप हो साथ जा रहा है या में आप ये निर्णय भी चल लेते हैं। रहा है कि हाँ, ये डॉगी मुझे तंग करता है, जैसे मैं किसी और से बात करती हूँ तो उसको भी मैं थोड़ा सा पैटिंग कर रही हूँ कि वो शांत रहे और मैं बात पूरी कर हाँ पाऊँ। अब हाँ, इतनी मतलब चीजें आप चला रही साइमल्टेनियस। हैं, सब निर्णय पूर्वक चल रहा है या हाँ अपने आप हो जा रहा है। हाँ नहीं, नहीं पूर्वक कर रहे। जी जी तो उसको और ध्यान से देंगे तो आप देखेंगे कि आपके निर्णय से चीजें हो रही हैं। अगर बिना निर्णय के हाथ पर हिलने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दीदी, नहीं। नहीं, वो तो होता है, होगा नहीं। हाँ, होता नहीं। वही तो थोड़ा और ध्यान दीजिए इस पर। जी, धन्यवाद जी भैया। नमस्ते भैया।
तो मैं जी कल से फिर से असाइनमेंट करने लग गया हूँ, उसे देखता था पहले ही व्हाट्सएप में जो आते थे। तो जी स्टेप नंबर 4 जो है, मतलब एक्सरसाइज 1 स्टेप 4, ये तो मैंने पूरा मान लिया है कि जो भी अभी अपना डिस्कशन चला ये सारा, कि ये आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जी अभी जो 5 में हम जो देख रहे हैं कि वो किस आधार पे है, तो मुझे ये मानना है ये अजम्पशन के ऊपर है। और अजम्पशन अगर इन लाइन विथ नेचुरल एक्सेप्टेंस निकलता है तो मैं मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जब मैंने स्टेप 4 में मान लिया है कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, तो फिर ये 5th में जो गड़बड़ा जाने वाला है, अगर मेरा अजम्पशन जो है वो राइट नहीं निकला, तो फिर मुझे थोड़ा वहां पे दिक्कत हो रही है कि हर बार मुझे 100% में ही रहना है, गड़बड़ाना नहीं। जी भैया थोड़ा इसको बताएंगे। थैंक यू। जी, तो देखिए फोर्थ स्टेप में ये तो आपने तय कर ही लिया है कि मेरी ही जिम्मेदारी है जो जी मैं चला रहा हूँ, है ना। जी लेकिन बिल्कुल इसके बाद जो गड़बड़ दिख रहा है उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जी जब निर्णय ले रहे हैं तो उसका जो आधार है, दो चीज़ें हो जी सकती हैं। या तो इस अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उसको समझ के मेरे भाव बन रहे हैं, उसके आधार पर निर्णय हो रहा है, जी या हमने कुछ भाग को नहीं समझा है या पूरे भाग को नहीं समझा है और हमने कुछ मान लिया है। जी वो जो मान लिया उससे जो निर्णय हो रहा है उससे मेरे भाव विचार उठ रहे हैं। जी तो मानने में अगर चूक हुई है तो जी निर्णय से जो भाव बनेगा उसमें चूक तो होने की संभावना है ही, जी है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इस पूरे एग्जिस्टेंस में चैतन्य निकाय को देखें, जी चैतन्य निकाय में जो स्वभाव इन्नेट है उसको देखें जी और उसको ठीक से समझ पाए तो हमको दिखेगा कि मेरा सुख तो निरंतर हो सकता है अगर मैं स्वभाव को ठीक से देख लूँ तो, बिल्कुल है ना। इतना अगर हमको नहीं क्लियर हुआ है तो हम सुख के बारे में कुछ मान लेते हैं, फिर हम यहाँ पर अटक जाते हैं कि बाहर वाला व्यक्ति जब ऐसा करेगा तभी मैं सुखी होऊंगा। जी अब विश्वास के भाव की जगह अविश्वास का भाव बन जाता है क्योंकि मानने में चूक हो गई है। स्नेह के भाव की जगह कुछ और बन जाता है ना। अब ये मानने में चूक हो गई है इसलिए इसके निर्णय के आधार पर जो भाव बन गया वो स्लिप हो गया है। अब स्लिप हो गया है तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अगर ये समझ के कर रहे होते तो मैं ये देख पाता कि मैं चैतन्य निकाय हूँ, मेरे में स्वभाव इन्नेट है, उस इन्नेट स्वभाव के साथ अब मुझे क्या भाव सह स्वीकार है, ये निर्णय होता। तो हमको आंसर मिलता कि विश्वास का भाव सह स्वीकार है, सम्मान का भाव सह स्वीकार है, स्नेह का भाव सह स्वीकार है। अब मैं जब इंटरेक्शन जी करूंगा तो इस विश्वास के भाव से ही करूंगा, सम्मान के भाव से ही करूंगा, स्नेह के भाव से करूंगा। अब इसमें चूक नहीं हो रही बिल्कुल है ना। तो इसलिए ये जी तय करना एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ उसके पीछे मेरी कोई मान्यता है या वास्तविकताओं की समझ है। समझ के साथ चूक नहीं होगी, मान्यताओं के साथ संभावना बन जाती है। जी जी, ये बात अलग है कि मैंने कुछ मान के फिर ये मान लिया है कि मैंने सब समझ लिया है, वे बात अलग अलग है ना। ये एक दूसरी तरह की मान्यता है कि मैंने पहले चीजों को सही से समझा नहीं, कुछ मान लिया, अब फिर एक उसके ऊपर मान्यता बना ली कि जो मैंने मान लिया यही सही है। अब ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम है फिर। जी। लेकिन भैया जी मैं कुछ जी मान जी के हमेशा मतलब हैप्पी ही रहता हूँ, समझो, भले वो चीज गलत है लेकिन मैं उसको सही मान के खुश रह रहा हूँ, तो इसमें कुछ गलत है क्या? देखिए, वो बेसिकली एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपने को हर तरह से आर्गुमेंट दे के सेटिस्फाई कर देते होंगे कि मैं सही सही तो सोच रहा हूँ। हाँ करेक्ट वो कोई समझ के आधार पर सुख बन रहा है ऐसा नहीं हो रहा होगा। जी जैसे मैं कई लोगों को अपने अराउंड भी देख पाता हूँ, मिस्टेक भी करते हैं और फिर इतना स्ट्रांग आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं कि मैं सही भी हूँ, बिल्कुल है ना। दूसरा उनके व्यवहार से परेशान हो रहा है, वो खुद अपने भाव विचार से परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इतना स्ट्रांग आर्गुमेंट देते हैं अपने आप को मैं ही, सही हूं अपने आप तो को करेक्ट। सही हो गए हैं। तो लोग सेल्फ हिप्नोटाइज हो गए हैं, है ना, अपने में ही सम्मोहित हो गए हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ यही तो सही है। यही तो सही है करेक्ट।
अब आर्गुमेंट दूसरे के लिए क्रिएट कर रहे हैं कि ये कैसे गलत है, इसके लिए हाँ वो आर्गुमेंट दूसरा बनवाते दुखी हो रहते रहा हैं। तो होने दीजिए सही है कि बात है। नहीं? ठीक जी जी है भैया, ओके, थैंक यू, फिर से जुड़ा रहूंगा। नमस्ते, नमस्ते जी सभी जी को, धन्यवाद। नमस्ते सर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग। हाँ नमस्ते भैया, अभी नमस्ते, नमस्ते जो भैया। दीदी का क्वेश्चन था ना, जो कि हम जैसा शरीर खुजलाते हैं, तो अब ये इसका जो नेचुरल प्रोसेस है मैं बताता हूँ, ये केवल एपिडर्मिस होता है बाहरी स्किन, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ। और डर्मिस जो है, जो डर्मा जो स्किन है, वो हमारी डेड सेल्स बाहर निकलते रहते हैं, नए स्केल्स जो है वो अंदर बनते रहते हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। हम सोचते हैं कि नहाने से हम शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, नहाने से कुछ नहीं होता है। नहाने से वो मैल ढीला पड़ जाता है। हम मैल किसको बोलते हैं? मैल है वो हमारे ही बॉडी के एपिडर्मिस के सेल है। सफाई नहाते वक्त नहीं होती है, नहाते वक्त जब हम टॉवेल से पोंछते हैं उस वक्त सफाई होती है। तो जो डेड सेल है वो उस टाइम पे निकल जाते हैं। और फिर जब, अच्छा, यदि नहाने से सफाई होती है तो फिर टॉवेल मैला क्यों होता है? टॉवेल मैला इसलिए होता है कि सफाई जब टॉवेल से पोंछते हैं उस वक्त होती है। अब वो एपिडर्मिस है। अब ये अलग अलग मान्यता है कि दूसरों के सामने नहीं खुजलाना है, तो ठीक है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। कि जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है तब हमको जैसे कि दूसरों के सामने नहीं खुजलाना चाहिए, जबकि ये केवल स्वच्छता की प्रक्रिया है और ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है। अब वो दूसरों के सामने करना कि नहीं करना, ये एक दूसरा विषय है। जैसे अब जूम मीटिंग में कुछ लोग दूसरों के सामने चाय कॉफी भी पीते हैं, कुछ लोग करते हैं कि भी दूसरों के सामने हमको नहीं खाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि केवल समाज की बनाई हुई मान्यता है कि ये हमको दूसरों के सामने करना चाहिए, दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, जबकि ये जो खुजलाना है ये इतने स्वाभाविक और नेचुरल प्रक्रिया है कि ये केवल सफाई की प्रक्रिया है। और वो जो एपिडर्मिस है, जो हमारी बाहरी स्किन डेड हो जाती है सेल्स, उसको हटाने की प्रक्रिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज, अब जैसे अकेले में है तो खुजलाना है या नहीं, क्योंकि जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है वो तो स्वच्छता है। तो वो जो स्किन है वो हम निकाल देते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चीज गलत है कि हमको खुजलाना नहीं चाहिए। और ये जो है मुझे लगता है कि समाज द्वारा इम्पोज की गई बाहरी मान्यता है केवल, है ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। धन्यवाद। ठीक है भाई, बस मैं उसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं। दीदी बस इतना ही जानना चाह रही थी कि ये जो इचिंग हो रही है और उसको खुजाने का जो मैं निर्णय ले रही हूँ, ये मैं निर्णय ले रही हूँ या बॉडी के सेल में मेमोरीज है मेरी पास्ट हैबिट की, वहाँ से निर्णय हो रहा है, इतना दीदी जानना चाह रही थी। ठीक है, लेकिन बढ़िया है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी डेढ़ बढ़िया सेल ही है। फॉर बॉडी का, लेकिन इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें अननेचुरल कुछ भी नहीं है। जी, ठीक है, हेलो। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, मेरा कहना ये है कि मेरा एक कस्टमर है, उसको कुछ अड़चन थी, इसके लिए मैंने उसको पैसा दिया और एग्रीमेंट किया, और उसको 2 साल में उसने पैसा दे दिया थोड़ा थोड़ा करके। एट द एंड ऑफ पोजीशन ऐसा ध्यान में आया कि वो बोल रहा है एक्स अमाउंट दिया, मैं बोल रहा हूँ वाई दिया, और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका रिकॉर्ड कुछ रखा नहीं, लेकिन मेरे जो मेमोरी है उसके हिसाब से एक्स अमाउंट आ रहा है, और उसका कहना है कि वाई दिया है और उसने भी कुछ ही रखा नहीं है। अभी समझ में आया कि हाउ टू रिजॉल्व दिस। वो वाके बोल रहा है कि आपको दे दिया है, मुझे भी समझ में आ रहा है, अभी यूएसबी में होने के कारण मैं उसका व्यू समझ रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ये दिमाग में आ रहा है कि उसको समझ के ले रहा हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब मेरे दिमाग में जो है उसको भी डिस्कार्ड करना, ये भी गलत है, और मैं इस ऐसा फंसी हुई अवस्थाओं में कि ये सुलझाने का कैसा भी। एक तो है कि भाई रिकॉर्ड नहीं रखा, उसके ऊपर ये नहीं किया, इसके लिए ये अभी सामने आया है ये सिचुएशन, लेकिन लेकिन रिजॉल्व किस तरह से करने का वो उसके बाद के ऊपर अड़ा हुआ है। हेलो। जी भैया, जी सुन रहा हूँ। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई अगर मैं पुराना समझो यूएचए के पहले के रहते, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे फिक्स रह के उसको वही जवाब देता था कि फॉरगेट दिस इज माय फिगर और यही फाइनल है, तुम दूसरा कुछ नहीं है क्या? हाँ, लेकिन अभी तो ये हो गया है कि भाई हम जब ये ट्रेनिंग लेते हैं तो हमको वो भी समझ में आ जाता है कि दूसरा भी किसी चीज में फंसा हुआ है क्या। हाँ, वो जी बोले जी उसके सही है में, लेकिन उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अभी मुझे उसकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि उसके हिसाब से वो सही है, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, अभी सुलझाना कैसे क्या।
लेकिन जी हाँ, तो इसको बातचीत कैसे करने का और नतीजे पे किस तरह से आने का, तो एक मेरे मन में आता है कि नहीं भाई उसको टालने का, और फिर एक दो बार वो टालने के बाद जब आएगा तो उसके साथ मीटिंग करने का और उसको ये वापिस बताने का, और वापिस बताने का कि भाई ये हम वो अगली बार देखेंगे बातचीत करके क्या निकलता है क्या नहीं है, और एक दो बात बात करके किधर तो भी कॉम्प्रोमाइज करके सेटल करने का, ऐसा एक दिमाग में आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे उतना क्लियरिटी नहीं लग रहा है कि जैसे मुझे यही सही रास्ता है ऐसा। जी जी ठीक है भैया, तो मुझे तो इसमें शॉर्ट में भी मैं इतना ही बता पाऊंगा कि अपने में हार्मोनी रखते हुए उस व्यक्ति से ठीक से बात कर लिया जाए, और आगे अब कैसे चलना है जिससे कि इस तरह की कंफ्यूजन ना हो उस पर बात कर लिया जाए, और अभी जो नुकसान हो रहा है उसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं बैठ के, ना उसको तय कर लिया जाए। ओके ओके यस, हारमोनी लेके के बातचीत करने का, और दूसरा कि भाई दोनों मिलके दोनों को ये सवाल ही रखने के भाई ये कैसे सुलझा सकते, ये दोनों के लिए सवाल जी है, नॉट हाँ, फॉर एक और आगे के इंडिविजुअल एक लिए, पर्सन, आगे के लिए ये न हो जाए आगे के लिए इसके लिए ऐसे भी लेसन कंफ्यूजन है। ना हो हाँ तो क्या करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ओके जी ओके ओके, नहीं पा ये तो मेरे से हुआ कि बहुत नजदीक का इंसान है, इसके लिए एक्चुअली इतना ज्यादा मैं डीप नहीं किया, नया पर्सन रहते तो मैं सब रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता हूँ, लेकिन किसी वक्त नजदीक का इंसान तो हम ज्यादा फेवर करने के चक्कर में क्या रहते, ये सब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा फेवर करने के चक्कर में उल्टा मैं फंस गया उसमें, इस तरह का निग्लिजेंस हो गया मेरी तरफ से। नहीं, फेवर करने के चक्कर में नहीं फंसे हैं, वो हाँ कॉन्शियसनेस में हमारे भी स्लिप हो सकता है, दूसरे के में भी स्लिप हो हाँ सकता है, ये स्लिप हो सकता है इस बात को हम ध्यान नहीं रख पाए, हाँ तो अब अगली बार ध्यान रख लेंगे उसे। यस यस सर ठीक है, मुझे आया आपकी बात से ये तो ध्यान में आया, 3 पॉइंट आपने दे दिया है, आई विल वर्क ऑन दिस हारमोनी में रह के, दूसरा ये जी तीसरा कि दोनों के लिए ये सवाल है कैसे सुलझाने का, और आगे ये भविष्य में न हो जाए इसके लिए प्रिकॉशंस लेने का। थैंक जी यू। ओके, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, जी बताइए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, हाँ, जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं बोल रहा था ये अभी भैया ने जो पैसे वाला मैटर बोला कि मान जी लीजिए मेरा कोई दोस्त था, प्रॉब्लम में था, तो एक बड़ा अमाउंट मैंने हेल्प कर दिया, और अभी वो देने की स्थिति में भी नहीं है, और अभी मैं मतलब मुश्किल में आ गया हूँ, है ना? तो मतलब ये समझ में नहीं आता है, जब हम किसी का जो मेरे फ्रेंड्स या फैमिली में कंसर्न में है, और उस समय मैं अगर स्थिति में हूँ कि हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, है ना? तो और ये भी समझ में आता है कि यार पता नहीं लोग चालाकी भी करते हैं, या फिर ले लेने के बाद फिर फोन रिसीव नहीं करना, ये सारा चीज, हाँ इवन वो कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मतलब इसमें बड़ा डायलेमा हमेशा आता है, अभी भी मतलब ऐसा है नेचर की मदद करने का, मतलब अच्छा लगता है कि कोई अगर प्रॉब्लम में है या जिस हिसाब से भी वो हम कर देते हैं, तो ये मुझे समझना है कि इसमें डिसीजन तो मैं ही ले रहा हूँ, है ना? और तो इसमें क्या मतलब जब हम एक लेते हैं कि मतलब कोशिश करते हैं कि भाई हाँ सुख दुख में या प्रॉब्लम में जब रिलेशनशिप में है तो हेल्प तो करना बनता है, और फिर जब वो इस तरह से करता है तो ये समझ में आता है कि फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक कभी कभी मुश्किल में भी हो जाता है, अभी जैसे थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है फाइनेंशियली, है ना? उसके ना देने के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, और उसने जो टाइम लिया था उससे बहुत ज्यादा, मतलब 1-2 साल हो गया, तो जी ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं तो फिर वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब दिमाग
का सुने या दिल का सुने? जी ठीक है, तो मैं ब्रीफ में आंसर दे देता हूँ भैया फिर से। हाँ, मैं ब्रीफ में ही चाह रहा हूँ इसका। जी देखिए, इस बात की क्लियरिटी हमको भी होनी चाहिए कि हमारे जो दुख हैं उसमें से उस दुख का एक मेजर कारण मेरी समझ में जो क्लियरिटी नहीं है इस अस्तित्व को, चैतन्य इकाई को लेकर, उसके कारण जाता है ना। उतनी क्लियरिटी नहीं होती है और हम अपने को चैतन्य इकाई की तरह नहीं देख पाते हैं, तो हमको अपनी आवश्यकताएं भी क्लियर नहीं होती हैं, और अपने में जो क्षमता है देखने की, जो मेरा स्वभाव है, उसको भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो बाहर के प्रभाव से हमारी आवश्यकताएं बनती रहती हैं। ऐसे ही हालत दूसरे का भी है, उसको भी अपने बारे में क्लैरिटी नहीं है, अपने सुख के बारे में क्लैरिटी नहीं है, आवश्यकता के बारे में क्लैरिटी नहीं है, बाहर के प्रभाव से बहुत सारी आवश्यकताएं उसकी भी बनती रहती हैं। तो बेसिकली तो बाहर का प्रभाव के कारण बहुत सारा लोगों को जरूरत पड़ती है, आवश्यकता के रूप में देखेंगे तो तय हो सकता है। अब किसी को हम पैसे से मदद भी कर दे रहे हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति का ध्यान इस पर नहीं गया है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसका सुख कहाँ पर है, निरंतरता कैसे होगी, तो वो हमारे और दूसरे के बीच में सिर्फ मटेरियल ट्रांजेक्शन को ही फोकस में रखता है ना। तो आपसे मिल गया तो आपसे ले लिया, कहीं और से मिलेगा कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को क्लियरिटी नहीं बन पा रही है कि ये सुख की निरंतरता कैसे होगी, है ना, आवश्यकता क्या है, समृद्धि का भाव क्या है। तो मुझे इसमें लगता है हम लोग को इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति के जब हम पैसे से हेल्प कर रहे हैं तो इस बात को भी सेंस कर लें कि ये अपनी आवश्यकताओं को भी ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो हम उस तरह से भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसका ध्यान दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम कुछ मटेरियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो हो सकता है उसकी समझ में आ जाए भाई, और हमको टाइमली हमारी भी स्थिति को समझ पाए और भाव के साथ हमको भी रिटर्न भी कर सके। लेकिन अगर ये वाला काम हम नहीं करेंगे, समझ वाला, भाव वाला, दूसरे के साथ, और सिर्फ मटेरियल ट्रांजेक्शन को ही पूरा करेंगे, तो इसकी संभावना तो बनी रहेगी, क्योंकि वो व्यक्ति भाव और स्वभाव, सुख समृद्धि सब पर ध्यान जा नहीं रहा है, तो उसके लिए तो सारा मटेरियल कम ही पड़ जाने वाला है ना। तो मुझे लगता है जो हमारे क्लोज वन है, दोस्त हैं, उनको इस बात पे भी ध्यान दिलाना चाहिए भाई, तुमको आवश्यकता क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, खुद से तय कर पा रहे हो कि नहीं तय कर पा पा रहे हो, ये सब मुद्दों पे भी हम लोग को खुल के बात करनी चाहिए। पर नहीं, कभी ये कभी तो वाला जैसे जो ऐसा इमरजेंसी है, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी है या शादी या फंक्शन, ऐसा कुछ आ जाता है कि सबको जरूरत एक दूसरे का पड़ता ही है ना। लेकिन जी अभी 2 साल बाद वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो मतलब रिटर्न कर, ये मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी मुझे ये आ बिल्कुल रहा है भैया, फिर तो कि हाँ, लेकिन ये भी है कि उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है ना। जी, तो ऐसा तो अगर इस बात सिचुएशन की आज क्लियरिटी है, इस बात की क्लियरिटी है कि वो अभी स्थिति में नहीं देने लायक, तो ठीक ही, फिर आप क्या करेंगे, है और एक चीज ना। भैया, जैसे जी मतलब घर में मम्मी, मतलब पता नहीं उसके माइंड में या कहीं पे देखी, या तो कोई भी सामान जैसे बाल्टी है वो सीधा रहता है बाथरूम में या कहीं पे भी, तो वो ठीक रहता है, बट वो क्या है कि उल्टा रख देती है ना। उसके माइंड में है कि नहीं, वो खुला हुआ, वो खाली नहीं रहना चाहिए, तो पलट के रखती है, तो पलट के रखती है तो जहां जाए तो अजीब सा लगता है ना। अब वो इस चीज को मतलब उसके मन में बैठा हुआ है कि नहीं, अगर ऊपर खाली अगर उस तरह सीधा रहेगा तो उससे नेगेटिव एनर्जी आता है या नुकसान होता है घर का, है ना। तो लास्टली फिर हमको तो ये समझ में आ रहा है कि चलो मम्मी है और वो माइंड में बैठा हुआ है, तो चलो वैसे ही लेके चले, है ना, क्योंकि उनकी सोच को तो बदल नहीं सकते हैं, मान्यता है वो बहुत पुराना, वो जकड़ा हुआ है। तो फिर बिल्कुल ये सब सिचुएशन आता है, तो
अब इसमें तो उनको लेकिन मैं मतलब उसमें इतने इसमें कहूंगा, हाँ हाँ मैं उसमें इतने कहूंगा कि दूसरों की मान्यताओं को बहुत छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है अपने में सही। जितनी क्लियरिटी होती चली जाएगी ना, वो अपने में कंफर्ट देता जाएगा। तो जब नहीं तक दूसरे की चलिए मान्यता ठीक। नहीं टूट रही है, अपने वाले पर काम पे सही से कर लिया जाए, है नहीं ना। वो तो अपने जैसे अभी आप जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल चलिए सही है, लेकिन क्या होता है कि आप एक इंसान है ना, तो आप देख रहे हैं कि वो उसके मान्यताओं के कारण वो एक हार्मोनियस मतलब घर का माहौल हो या एक दोस्त है तो वो बहुत ज्यादा मतलब ये कर्म कांड या ये सब जो होता है, आपका कोई डेथ कर गया, अभी एक दोस्त के यहाँ उसके पापा डेथ कर गए, अब वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो सब चीज वो बढ़ा चढ़ा के ही करना है कि भाई वो जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है ना, कर्ज लेकर इधर से उधर से, तो अब दोस्त है उसको उसमें क्या एकदम से बंद कर, फिर भी हाँ समझाना तो बनता ही है कि नहीं यार चलो जितना जरूरत है जिनको लग रहा है सामाजिक स्तर पे उसको करना है, बट इतना भी क्या जरूरी मतलब है ना बहुत, तो ये ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कि थोड़ा बहुत जो बाहर के हैं तो उसमें तो आदमी नहीं कुछ करता है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में भी नहीं, बट जो वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में आ जाते हैं तो थोड़ा सा, और उस कारण देख रहे हैं कि वो प्रॉब्लम में भी आ रहा है, तो एक तो कोशिश तो ये बनता है कि चलो समझ जाए तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, कह के आगे चलकर फिर वो और मुश्किल में आएगा है ना, तो ये चीज है। ठीक है भैया उनके थैंक यू। मान्यताओं को अगर व्यक्ति नहीं रिजॉल्व करेगा तो दुख तो अपना बनाए रखेगा ही, ये बात है तो ना। है। हमारी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे में क्लियरिटी है तो हम ओपन रह सकते हैं, समझाने के लिए भी, हेल्प करने के लिए भी, सही बात है। इतना तो हमारे हाथ में है ही। जी नहीं जी नहीं जी भैया थैंक यू भैया। नहीं भैया, कल निधि दीदी का जो एग्जाम हॉल का एक सिचुएशन बताए थे, मुझे लगता है जी उनके जगह में मैं अपने को रख के मैं भी सोचती हूँ कि शायद अभी की एग्जिस्टिंग जो हालत है, आपने बताए वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एग्जिस्टिंग सिस्टम में उनको इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाते कि जितना मैनेज कर सके सिचुएशन। लेकिन हम लोग को वही है, डीप में जाना है कि अंडरस्टैंडिंग में जब काम नहीं करते हैं बच्चे, मतलब छोटे से अगर हम लोग उनको सिखाते नहीं है कि सेल्फ रेगुलेशन या तो सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर थ्रू अंडरस्टैंडिंग वो बिल्ड करने में हम लोग अगर फोकस नहीं करते तो यही चलता जाएगा, क्योंकि सिस्टम में बहुत एक ब्रॉड खाली पनिश और रिवार्ड, मतलब प्राइज दिया जाएगा जो अच्छा करेगा, और जो नहीं कर पाते हैं तो उनको बस फेल कर दिया जाएगा। यही दो ऑप्शंस में चल रहे हैं अभी तक एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि ये रिजर्वेशन सिस्टम को लेके, जो ST ST रिजर्वेशन रहता है तो उसको लेके बहुत अनहैप्पीनेस रहता है, और उसी के चलते जिनको मिला है वो प्रोविजन वो भी डिस्टरबेंस में चले जाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि बाकी बच्चों को लगता है, ये हमारे मीटिंग्स UHP मीटिंग्स में भी कई बार प्रोफेसर्स उठाते हैं टीचर्स, कि बाकी बच्चों को लगता है कि अगर जस्ट एन इक्विटेबल सोसाइटी करना है तो फिर ये क्यों, मतलब उन लोगों को क्यों ज्यादा दिया जाता है, तो हिस्टोरिकली कोई देख नहीं पाते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल वो जो है वो ठीक है, उसके लिए पॉलिसी बन गया है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उन लोगों को भी सडनली लास्ट एग्जाम में ऐसे इतना छूट देने से अच्छा होता कि बहुत पहले से नॉट ओनली ST SCs बट बाकी वीकर चिल्ड्रन भी जो है क्लास में उनको फोकस नहीं रहता है, हमेशा जो अच्छा पढ़ाई करते हैं उनको बहुत लाड़ प्यार होता है टीचर्स का, लेकिन जिनको चाहिए कि कंसिस्टेंटली लोअर क्लासेस से ही उन लोगों के ऊपर काफी काम करके, उन लोग को समझ में काम करके कि कैसे सिंसियरली उन लोग पढ़ाई को ले, क्यों लेना है, ये नहीं करने से ओवर द इयर्स अगर 6 7 8 इयर्स 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन उस टाइम धीरे धीरे काम नहीं करने से सडनली आके किसी को 46% में कट ऑफ, किसी को 95 में कट ऑफ, ऐसे होने से नेचुरली वो जो फीलिंग ऑफ डिसहार्मनी रहेगा ही, तो ऐसा पॉलिसी बहुत काम का तो नहीं है। एक तो ब्रॉड पॉलिसी चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये अंडरस्टैंडिंग का काम बहुत
जल्दी मतलब बहुत अच्छे से जाना चाहिए, वो बहुत महसूस कर रही हूँ भैया। जी भैया, जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसको मैं फिर से अपने शब्दों में लिख देता हूँ। तो अभी ध्यान से देखेंगे ना, तो पूरे सिस्टम में इस बात पर फोकस है कि तुम कुछ कर लोगे, इसके बाद सुखी हो जाओगे। जी तो बहुत सारा लोग आशा से स्टार्ट करते हैं कि ये कर लेंगे और सुखी हो जाएंगे। तो अब इतने लाखों बच्चे जा रहे हैं, है ना, सबकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो तो यही है कि हम ये एग्जाम क्रॉस करेंगे, फिर कुछ मिल जाएगा, फिर हम सुखी हो जाएंगे। अब ये सुख वहां से पॉसिबिलिटी है नहीं, होगा भी तो बहुत मोमेंटरली होगा, फिर वो लड़ाई झगड़ा बना रहता है ना। तो मुद्दा ये नहीं है कि इसको ज्यादा ध्यान देना है, इसको कम ध्यान देना है। मुद्दा ये कि पहले तो ये सेट हो जाए कि हम सुखी होकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। पढ़ाई कोई हमारे सुख से रिलेशन नहीं है, सुख तो हमारा इस बात से है कि मैं चैतन्य में जो स्वभाव इनिट है उसको देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। सुखी होना तो मेरा यहीं से हो सकता है। ये सुखी होकर जब मैं एक्सपेंड होने जाऊंगा, बाहर एक्सप्रेस होने जाऊंगा, और उस स्वभाव के आधार पर जब मैं सुखी होकर बाहर एक्सपेंड होने जाऊंगा, तो लोगों के काबिल ध्यान चला जाए सही की तरफ। इस अर्थ में अब मुझे कुछ करना है, करना भी नहीं, वो तो होना है। उस अर्थ में देखेंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई का एक ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा। अभी क्या है, पढ़ाई लिखाई का ऑब्जेक्टिव भी अभी बहुत सही क्लैरिटी के साथ नहीं है बच्चे, है ना। तो एक बात ये क्लियर हो जाए कि मेरा सुख मेरे स्वभाव से है, मेरा सुख मेरी समझ से है, और ये समझ के मैं सुखी हो सकता हूँ। अब सुखी होकर जब एक्सपेंड करने जाऊंगा, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारी जगह काम करने के लिए हमको ये सब चीजों की आवश्यकता है। उसके रूप में देखेंगे तो उतना क्योस नहीं होगा। अभी क्योस इसीलिए ज्यादा हो रहा है कि सबको यही लग रहा है कि पढ़ लिख के कुछ मिल जाएगा फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे ज्यादा क्योस हो रहा है। और उस क्योस के चलते बहुत सारा कंपटीशन क्रिएट हो गया है, और उस कंपटीशन के चलते कोई किसी को फेवर दे रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि द्वेष का भाव बना हुआ है ना। तो हमको लग रहा है कि इसको इतना फेवर क्यों मिल रहा है। तो जिसको फेवर मिलता है वो अच्छा लगने लगता है, जिसको फेवर नहीं मिल रहा वो द्वेष में आ जाते हैं। तो अगर वो इस बात को ठीक से एड्रेस नहीं करेंगे कि मेरा सुखी होने का प्रोसेस क्या है और पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन बातों को ठीक से एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, है ना, प्रॉब्लम बनी रहेगी। और फिर बाहर आशा के रूप में हम देखते रहेंगे, और उससे बहुत सारा क्योस होता रहेगा। अब आशा भी कितनी करनी है ये व्यक्ति को पता नहीं है, उसको पूरी दुनिया भर से सम्मान भी चाहिए, दुनिया भर का मटेरियल भी चाहिए, जो अच्छा लग रहा है सब उसको अपने घर में भी चाहिए। तो आशा का तो कोई एंड है नहीं बिना समझ के। अब उस आशा के साथ जितना कर लेते हैं वो सब कम पड़ने लगता है, और सभी के लिए सब कुछ कम पड़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो फाइट होना ही होना है ना, क्योस होना ही है। तो ये जो फंडामेंटल बात है ना, ये इसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। तो जब तक ये फंडामेंटल बात को हम एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये सब घटनाओं में हम फंसे रहेंगे। इसको घटनाओं को संभालना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया आज की डेट में। तो ये फंडामेंटल बात क्लियर हो जाए सिस्टम में, उसकी एक महत्वपूर्ण बात है। तो अगर ये फंडामेंटल बात क्लियर हो जाए, तो कम से कम पढ़ लिख कर ने के बाद भी इतना जो क्योस हो रहा है वो क्योस नहीं होगा। फिर हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ चीजों को कर सकते हैं कि सुखी होने वाला काम मेरे स्वभाव से हो गया है, चैतन्य इकाई जड़ इकाई को मैं समझ गया हूँ, मेरी नीड मुझे क्लियर हो गई है, इस पूरी प्रकृति में मेरी नीड को पूरा होने का प्रोविजन प्रकृति में बना है, इस बात की क्लियरिटी हो गई है। अब मैं अपने सुख समृद्धि के लिए तो खुद से ही काम कर सकता हूँ प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन में, हारमोनी बनाए रखते हुए। अब ये जो करते हुए बाहर लोगों तक पहुंचना है, उनका भी ध्यान चला जाए, है ना, उनके लिए भी एक सही व्यवस्था बन जाए,
बाकी के लिए भी सही पर ध्यान चला जाए और उनको भी आत्मविश्वास आ जाए कि वो भी अपनी सुख समृद्धि स्वयं से इंश्योर करके, है ना, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब इस सब के लिए हमको पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता पड़ सकती है, पढ़ाई लिखाई कोई पद इन सब के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। अब ये बेसिक बात क्लियर नहीं हो रही है तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन से माँ बाप भी बच्चे को भेजते हैं और एक्सपेक्टेशन क्या, उसकी क्लियरिटी नहीं है। बच्चा भी 4 साल लगा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन, उसकी क्लियरिटी नहीं है। तो वो किसी को फेवर करे या ना करे, वो पढ़ लिख के बाद भी क्योस तो बनी रहता है सोसाइटी में। तो फंडामेंटल बात पर ध्यान चला जाए, एक महत्वपूर्ण बात है। जी 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 भैया, मैं वही ध्यान देने की बात यही की थी कि जो ट्राइबल्स है, आदिवासी बैकवर्ड है, उन लोगों को हिस्ट्री के लिए एक्सप्लॉयटेशन था, मैनुअल लेबर में ही पेरेंट्स बहुत मतलब हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, मतलब बहुत स्ट्रगल करके उन लोग रहे बोल के मुझे लगा कि ज्ञान का रास्ता उन लोग के लिए बहुत देर से खुला। तो इसीलिए अभी सडनली बस खाली कम मार्क्स में उन लोग को एक एक स्तर पार कराने के लिए रास्ता जो रखे, उसके साथ साथ भी मतलब फैमिली के जैसे जस आइडियली माना मानते हैं अगर कि बहुत पेरेंट्स जैसे बाकी एजुकेटेड पेरेंट्स थोड़ा बहुत फिर भी बच्चों को गाइडेंस दे पाते हैं। ऑफकोर्स आजकल ज्यादा फोकस तो मार्क्स और सर्टिफिकेट में हो गया है, फिर भी एक उम्मीद रहता है कि बुक्स पढ़ के वो थोड़ा सा कुछ लाइफ के बारे में समझेंगे। लेकिन जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है उन लोग के ऊपर तो काम किया ही नहीं जाता है, क्योंकि घर से बहुत ज्यादा उन लोगों में, हम लोग ऐसे एरिया में है, ट्राइबल एरियाज में है तो स्टूडेंट्स बहुत है, तो घर से बहुत ज्यादा कुछ उन लोग को ये मिलता नहीं है, मतलब ज्ञान के रास्ते में जो ये है गाइडेंस। तो इसीलिए मैं बोली थी अच्छा कि फोकस तब से थोड़ा छोटे से ही होना है काम उन लोगों के ऊपर, कि ताकि कि जो फेवर गवर्नमेंट की तरफ आता है उसको मिसयूज ना करें, क्योंकि हल्के से भी लेते हैं कई बार, उन लोग मिल ही जाएगा बोल के भी। तो यही मैं बोल रही थी कि काफी टाइम पहले से ही काम उन लोग के ऊपर करना है, ना कि खाली एक मेजर के लिए ये पॉलिसी बनाया गया है, वही मैं बोल रही थी। जबकि बाकी ठीक है, बच्चों को भी बिल्कुल चाहिए, बहुत घर में भी गाइडेंस सही तरह से नहीं जाता है, मम्मी लोग ही जैसे करेक्ट करके आंसर्स पेपर भेजते हैं, छोटे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं तो उसको रब करके मम्मी लोग ही उसको सही बना के भेज देते हैं मार्क्स के लिए, ऐसा भी है। तो एजुकेशन और सही समझ वो तो हमेशा हैंड इन हैंड जाता तो नहीं है, ये भी देख पाते हैं। जी भैया ठीक है, बढ़िया है। तो समय हो गया है, हम लोग यहीं रोक लेते हैं। और ये जो होमवर्क लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसको हम लोग स्टेप 1 से लेकर 5 तक इसको और ध्यान से देखें। तो जब 4th स्टेप में हम पहुंच गए हैं कि निर्णय किसका है, अब हम अपने से ये बात करें कि इस निर्णय का आधार क्या है, समझ है, मान्यता है। तो जब निर्णय ले रहे हैं तो क्या हम उसमें देख पा रहे हैं कि ये जो निर्णय मैंने लिया है ये समझ के आधार पर लिया है या मान्यता के आधार पर लिया है। इस बात को हम लोग और थोड़ा सा ध्यान से देखें, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को और इलेबरेट करेंगे। लेकिन तब तक इस बात पर ध्यान बनाए रखें कि मेरा निर्णय समझ के आधार पर हो रहा है या मान्यता के आधार पर। तो कल हम लोग स्टेप 1 से लेकर 5 तक के ऑब्जर्वेशन की शेयरिंग भी रखेंगे और मैं उसको एक बार समअप करके एड्रेस करने की कोशिश भी करूँगा। जी दीदी, प्रियदर्शनी दीदी, नमस्ते। जी हाँ, धन्यवाद गोपाल भैया, आज की पूरी चर्चा में हमारा इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए कि हम ऑब्जर्व करते रहें और देखें कि मेरे निर्णय का आधार क्या बना हुआ है, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद अपनी शेयरिंग और क्वेश्चंस रखने के लिए।